जुलाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने पाकिस्तान से वापस लिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान के मंसूबे नहीं होंगे पूरे। पुलवामा हमले के बाद बोले पूर्व सैनिक हम भी बॉर्डर पर लड़ने को तैयार। बदला लेने का आदेश दे सरकार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को 1996 में दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। भारत ने यह दर्जा पाकिस्तान को 23 वर्ष पहले दिया था। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद पाकिस्तान से भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह भारत के इस फैसले के साथ है। मोस्ट फेवर्ड नेशन या सर्वाधिक तरहिज देश का दर्जा कोई भी देश उस राष्ट्र को देता है जिसके साथ संबंध ज्यादा अच्छे होते हैं। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी पर हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कभी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंकी संगठन और उनके सरपरस्त बहुत बड़ी गलती कर गए हैं और उसके गुनाहगारों को उनके की एक सजा जरूर मिलेगी। अम्बाला, पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हमले का बदला लिया जाए। इस हमले के बाद सभी देशवासियों के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत भर गई है और सभी मांग कर रहे हैं कि इस हमले का जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। जवानों पर हुए हमले पर आम लोगों ने अपने दुख को जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।